और आगे बढ़ते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। ये राहुल गांधी से जुड़ी है, कांग्रेस एमपी राहुल गांधी से, जिन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी का हिंदू राष्ट्र पर बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने यह लेख शेयर किया है। किसी राष्ट्र से बांधना हिंदू धर्म की अवमानना है। राहुल गांधी ने जो लेख शेयर किया उसका शीर्षक है सत्यम शिवम सुंदरम। तो देखिए, उन्होंने इसमें बताया है कि हिंदू कौन है, हिंदू धर्म क्या है, और साथ ही ये भी बताया है कि हिंदू धर्म किसी राष्ट्र या किसी विशेष भूभाग से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। राहुल गांधी के विचार ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नेताओं के सनातन विरोधी बयान सामने आ चुके हैं, उन पर घमासान हो रहा है, और इस घमासान के बीच हिंदू राष्ट्र की थ्योरी पर राहुल गांधी की ये थ्योरी विरोधियों की थ्योरी चढ़ाने का मौका दे सकती है। तो ये बड़ी अपडेट, ये बड़ा पोस्ट आपने देखा जो राहुल गांधी ने किया है। तो राहुल गांधी ने इसको पोस्ट किया है, लेख पोस्ट किया है, हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने अपनी बात सामने रखी है। और ये उस वक्त में, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, जब इंडिया गठबंधन से जुड़े लोग इसको लेकर अपनी बात कह चुके हैं। देखिए, हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र पर क्या बोले हैं राहुल गांधी, आपको बताते हैं। ये कहना कि हिंदू धर्म केवल कुछ सांस्कृतिक मान्यताओं तक सीमित है, उसका अल्पार्ट है। किसी राष्ट्र या भूभाग विशेष से बांधना भी उसकी अवमानना है। ये राहुल गांधी के विचार हैं, ये उन्होंने लिखा है। आगे लिखते हैं, भय के साथ अपने आत्म के संबंध को समझने के लिए मनुष्यता द्वारा खोजी गई एक पद्धति है हिंदू धर्म। इन्होंने हिंदू धर्म को डिफाइन करने की कोशिश की है। आगे लिखते हैं, यह सत्य को अंगीकार करने का एक मार्ग है, यह मार्ग किसी एक का नहीं है। हमारे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैनेन्द्र, जिस वक्त राहुल गांधी ने ये बातें लिखी हैं, जिस वक्त वो ये बात कह रहे हैं, इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वक्त भी महत्वपूर्ण है, और इससे पहले कभी हिंदू धर्म को लेकर राहुल गांधी ने इतने विस्तार से न कभी कुछ कहा है न लिखा है, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर आपके पास हो तो आप जरूर रोशनी डालें, इसके अर्थ कैसे समझे जाएं। बिल्कुल, देखिए, जैसा आपने इस विषय को रखा कि एक तरफ इंडिया अलायंस को लेकर के बीजेपी द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे, और वो मौका इंडिया अलायंस के सहयोगी डीएमके ने ही दिया था सनातन धर्म को लेकर के टिप्पणी करके, और एक तरीके से बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल गया था। इस माहौल में राहुल गांधी का ये जो आलेख है हिंदू धर्म को लेकर के, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें वो एक नेता कम दार्शनिक ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हिंदू धर्म को लेकर के उन्होंने काफ़ी गहरी बातें की हैं और एक बड़े फलक पर हिंदू धर्म को उतारने की कोशिश की है, लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू धर्म को कुछ सांस्कृतिक या भौगोलिक स्तर पर सीमित करना जो है वो अवमानना होगी। उन्होंने हिंदू धर्म की जो खासियत है, मसलन तमाम आस्था का सम्मान करना, सभी आस्थाओं को अपना मानना, सभी पूजा पद्धति का सम्मान करना, इसके अलावा जो सत्य और अहिंसा को लेकर के एक हिंदू धर्म में जो एक विशेषता है, और इसके अलावा राहुल गांधी ने जो पूरा आलेख लिखा है उसमें हिंदू धर्म को समावेशी, सहिष्णु और कमजोर की आवाज के तौर पर पेश किया है। तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी पहले भी हिंदू बनाम हिंदुत्व की डिबेट को शुरू कर चुके हैं। वो हिंदुत्व, बीजेपी की जो जिस हिंदुत्व की बात करते हैं उसे वो राजनीतिक बताते हैं, और ये बताते हैं कि हिंदू धर्म को का सियासी लाभ। मुझे लगता है ये जो पहले उन्होंने कहा है हिंदू बनाम हिंदुत्व का जो विषय उन्होंने रखा था, ये उसी को विस्तार देने की कोशिश की है उन्होंने, इसको डिफाइन करके और इस पर इतनी बड़ी बात लिखकर, इतने विस्तार से लिखकर। जैनेन्द्र, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहे आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात, देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।